सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, उम्मीद है सब कुछ चंगा है तुहाडे नाल। आप देख रहे हैं आरएमपी एक्सप्लोर और इस मुंडे का नाम है जी राजेश। अभी हम खड़े हैं वैष्णो धाम जो बीकानेर में है, तो यहाँ भी जो आप पीछे देख रहे हैं ये इसका मेन गेट है और इसके मेन गेट के जस्ट सामने यहाँ पे हाईवे है, ये जयपुर हाईवे। इधर बीकानेर है और इधर जयपुर है, तो ये शुरुआत हो जाती है यहाँ से वैष्णो धाम मंदिर की। ये मेन गेट बना रखा है यहाँ पे, बकायदा लिखा हुआ है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, वैष्णो धाम मंदिर। तो यहाँ पे जूस वगैरह की दुकानें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं और यहाँ पे मेन एंट्री होते ही ये देखो, ये है जी वैष्णो धाम मंदिर। आ जा। ये इधर पार्क वगैरह बना रखा बैठने के लिए और ये देखिए नज़ारा, शेर का मुंह। तो अभी यहाँ से एंट्री करते हैं, शेर के मुंह के अंदर जाते हैं। लोग तो शेर के मुंह में हाथ डालते हैं, हम पूरा शरीर डाल देंगे शेर के मुंह में। ये लो जनाब, ये शेर का मुंह, ये शेर की जाड़, दांत, ये देखो दांत, ऐसा कुछ इसके अंदर से दिखता है। बिल्कुल सामने गणेश जी की प्रतिमा है। स्वागतम, ये बिल्कुल पूरी वैष्णो धाम जो वैष्णो देवी है उसकी थीम पे बना रखा है। सबसे टॉप पे शिव भगवान की मूर्ति लगा रखी है और अलग अलग मंदिर बना रखे हैं इन्होंने, सब आर्टिफिशियल है, ये सीमेंट से बनाया हुआ है, ओरिजिनल पहाड़ नहीं है ये। ये मंदिर है, ये खाटू श्याम जी का मंदिर है। वैष्णो माता का मंदिर, माँ का मंदिर बन रहा है, मंदिर के निर्माण में आप कुछ भी सहयोग कीजिए। और यहाँ पे बकायदा बोर्ड लगा रखा है, कटरा में आपका स्वागत। ये लो जी गुफा, माता वैष्णो की चढ़ाई, चढ़ते जाओ जयकारा लगाते जाओ, क्या बात। ये देखो इतने ऊपर आ गए, अभी थोड़ा ऊपर और है, अभी तो गुफा के अंदर जाना पड़ेगा। ईंटों की दीवार है और यहाँ पे आपको ये सरिया वगैरह दिख रहे होंगे, तो सीमेंट कंक्रीट और सरिया लगा के ये बनाया गया है। और ये जो है यहाँ ये झरना है, ये इधर से पानी सीधा उस लेक में जाता है, तो अभी सीधा ऊपर चलते हैं। अर्धकुमारी माता मंदिर, फोटो खींचना हुआ पहाड़ पर चढ़ना मना है। पहले तेरा मन नहीं था नहीं, जब आए हैं वो लोग तो बनाना बनता है ना यार, बनाओ बढ़िया है। तो अभी यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ है वो आपको दिखाता हूँ मैं अभी। ये देखिए ये छोटी सी गुफा है जो बच्चे निकल रहे हैं, ये इसके अंदर से शुरू होती है।
लाइन लगी हुई है गुफा के अंदर जाने के लिए, तो अभी इसमें एंट्री करते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे जाना पड़ता है, केसर सर के लग जाए तो भाई चोट आ जाएगी। तो ये निकलेगा भाई, ऐसे निकलना पड़ता है भाई, मैं पता नहीं कैसे निकलूंगा। ये गुफा अरे भाई यहाँ पे गोली डालनी पड़ेगी भाई। फंस गया यार, बहुत छोटी जगह है, मोटा आदमी तो इधर से जा ही नहीं सकता। अरे भाई रे ये चढ़ना ही चढ़ना अभी। तो ये आ गए अपन टॉप फ्लोर पे। जय हो, जय भैरुनाथ। ले प्रसाद ले ले, लो जी, लो जी प्रसाद ले लिया। प्रसाद लेने के बाद में अभी सीधे नीचे चलते हैं, अभी एक और छोटी सी गुफा है वो देखने के बाद सीधा एग्जिट। कौन सी गुफा में जाना? वो वाली। तो यहाँ पे एक छोटा सा मार्केट भी लगा हुआ है, वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले ये गुफा पार करनी पड़ी। और गुफा के नीचे, गुफा के अंदर ना नीचे पानी भी है, जो टखनों तक पानी आता है। ये तीन मूर्तियाँ हैं इधर, ये है वो गुफा। ये देखो जी, अरे अरे पानी वानी का तो पता नहीं है कि नहीं, आराम से आना, फिसलने वाली है ये। अरे 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 फिसल जाएगा, आराम से आना। मैं कहते रहा था तेरे को फिसल जाएगा, चलते रहना। अभी रुक जाना, पैंट ऊंची ऊपर करनी पड़ेगी, पैंट ऊंची सामने है जी। अब ये गुफा ही है एक प्रकार की, ये देखो नीचे पानी में भरा हुआ है, ये देखो कोई सिस्टम नहीं है, चलते रहो। तो भाई पानी आ गया, वही तो कह रहा हूँ मैं, पैर पैंट और ऊंची, तो पैंट और ऊपर करनी पड़ेगी भाई, नहीं तो भीग ही जाएगी। ओहो हो, तो ये पानी भरा हुआ है शानदार। अंदर एक हाथ दिख रहा है आपको, ये शिव जी का हाथ है, नहीं शेर का पैर लग रहा है यार मेरे को तो। ये एग्जॉस्ट फैन लगा रखा है, तो ये पूरा पानी भरा हुआ है। ये लो जी, ये बाहर का रास्ता, इधर एक मंदिर भी है, इधर महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती का मंदिर। अब यहाँ से सीधा बाहर, ये लो जी अभी तीन मूर्ति और है, वो और आपको दिखाते हैं। ये है वो काली माता, ये बीच में शायद लक्ष्मी माता, और ये सरस्वती माता। अब ये है वो बिल्डिंग जो फ्रंट साइड से आपको पहाड़ जैसा दिख रहा है, और बैक साइड में इन्होंने ऐसा इसका स्ट्रक्चर तैयार कर रखा है। और इसी के ग्राउंड फ्लोर पे एक छोटा सा मार्केट लगा हुआ है, तो वो मार्केट भी आपको दिखाते हैं। ये है वो मार्केट, झालर मिलती है इधर, झालर।
अगर किसी को झालर पता है तो मेरे को कमेंट करके बताएं कि झालर क्या होती है। ये बच्चों के चश्मा वगैरह, छोटा सा एक मेला लगा हुआ है ये। अब यहाँ से सीधा ये बाहर का रास्ता, ये लो जी वही वापस पहुंच गए। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, तो मिलेंगे एक और नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। मैं तो आप सबसे यही कहूँगा कि यार खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मेहनत करें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जीना इसी का नाम है।